This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप जीरो से पढ़ाते हैं, तो आज जीरो माइनस में चल रहे हैं. अभी हम सेंटेंस बनाने की तरफ जा रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस, कि सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट किया जाता है. आज का सेशन और कल का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सेशन से आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी. और ये सारी वो बातें जो हम स्कूल लाइफ के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत अंदाज से पढ़ी थी, कुछ लोग भुला चुके हैं क्योंकि उनको स्कूल छोड़े हुए 30 साल हो चुके हैं, किसी को 50 साल हो गए. ठीक है, चलिए. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. आपको याद आ रहा होगा कि जब हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. और अगर वो चीज़ें आपको याद हो तो वो चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट थी. लेकिन आज सर ने एक नई चीज़ ऐड कर दी है, और वो नई चीज़ क्या है? एडवर्ब. सर, व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज एक्चुअली अ टाइम एक्सप्रेशन. जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो याद रखें, आपको ये बहुत परेशान करेगा एडवर्ब, क्योंकि विदाउट नोइंग टाइमिंग, अगर आप टाइमिंग को नहीं समझेंगे तो आप किसी शायद बात को नहीं समझ सकते किसी भी सेंटेंस में. एक सेंटेंस जब लिखा हुआ आता है, फॉर एग्जांपल मैं एक आसान सी बात लिखता हूँ, रिटन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ. जब आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, वहां लिखा हुआ है ही और ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट अ लेटर. अब आप अगर इस सेंटेंस को और से देखें तो आप कहेंगे, सर ये आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको क्लियर नहीं हो रहा, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा कि सर ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है. और ये जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को क्लियर करता है वो कौन करता है? एडवर्ब. एडवर्ब इज एक्चुअली अ टाइम एक्सप्रेशन. अब देखिए, अगर मैंने इसके आगे लिखा एवरी डे, मुझे बताइए ये प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट, बताइए. प्रेजेंट. अगर मैंने लिख दिया यस्टरडे, पास्ट पास्ट. पास्ट. अगर मैंने लिख दिया टुमारो, फ्यूचर. अगर मैंने लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया राइट नाउ, प्रेजेंट प्रेजेंट. अगर मैंने लिख दिया एट दैट टाइम, प्रेजेंट. एट दैट टाइम उस वक्त, एट दैट टाइम पास्ट पास्ट. अगर मैंने लिख दिया रिसेंटली, हाल ही में, प्रेजेंट. अगर मैंने लिख दिया सिंस चाइल्डहुड, पास्ट पास्ट. अब हो रही है पास्ट टू प्रेजेंट की बात हो रही है, दो सेंस आ गए ना, से पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट. जब हम पास्ट टू प्रेजेंट बात करते हैं तो याद रखें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, अब आप देखें एडवर्ब की आपको एप्लीकेशन शायद अब समझ आ रही हो. अच्छा हाँ, एडवर्ब इज एक्चुअली अ टाइम एक्सप्रेशन. अब हमें ये बात समझ आइए कि एडवर्ब हमें टाइम के बारे में बताता है. अगर मैं इसमें से एडवर्ब गायब कर दूं तो फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आइए वर्ब के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. अच्छा, आप देखिए, अगर मैंने लिखा हुआ है एवरी डे, तो आपका जो राइट है वो क्या हो जाएगा? राइट्स. अगर यस्टरडे लिखा हुआ है तो आपका राइट क्या हो जाएगा?
रोट। रोट अगर राइट लिखा हुआ है तो आपका, और टुमारो लिखा हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा? विल राइट विल राइट। अगर राइट नाउ लिखा है तो अब क्या होगा बताओ? देखते कौन समझ। राइट्स ही राइट्स नो राइट्स नो, है कोई समझदार सही खूबसूरत स्टूडेंट? राइटिंग एक्सलेंट आंसर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अच्छा, अगर एट दैट टाइम में, पास्ट की बात है, रोट अस्तगफिरुल्लाह, ही हैड रोट द ही हैड रोट राइटिंग बर्बाद हो गई ही उनकी रोट जिंदगी। अ लेटर दो चार का लेटर बताओ। है ही वाज राइटिंग का रिसेंटली लेटर ही वाज रिसेंटली रिसेंटली ही इज राइटिंग अ लेटर ही इज ही इज राइट राइटिंग अ लेटर। थैंक सोच ले, जब रिसेंटली आता है तो हम लिखते हैं ही हैज रिटन अ लेटर। ही हैज रिसेंटली रिटन अ लेटर। अगर ओके सेंस लगता है तो हम क्या लिखते हैं? ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस चाइल्डहुड। अब आप मुझे बताइए, अब आपके जहन में एडवर्ब बहुत अच्छे से जा करके बैठिए। अब आप ये कह सकते हैं, आपके जहन में ये बात चली गई है और आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो एडवर्ब है, ये जो एडवर्ब है, ये हमारे लिए वाकई टाइम एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये एडवर्ब हमारे टाइम को भी बताता है और ये सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करता है। ये देखें, राइट नाउ ने आपको टाइम बताया, प्रेजेंट, और सिचुएशन भी बदल दी प्रोग्रेसिव। याद रखिएगा, ये दोबारा है, दोबारा आएगा आपकी जिंदगी में एडवर्ब, ठीक है ना बेटा? आगे चलिए। अच्छा, एडवर्ब को आप कहीं भी लगा सकते हैं। एडवर्ब की प्लेसमेंट के ऊपर अगर हम सवाल करते हैं, यू कैन यूज एडवर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, बाय द एंड ऑफ द सेंटेंस। आप इसको वर्ब से पहले भी लगा सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, क्या एडवर्ब के बगैर जुमले बन सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? अगर मैं एडवर्ब के बगैर जुमला बनाना चाहूंगा तो बन जाएगा, कोई परेशानी? यस नो सर नो प्रॉब्लम। यस सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट्स वेरी गुड। वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब। हम एडवर्ब के बगैर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। सोनिया प्लेस क्रिकेट, सारा ड्रैंक पेप्सी, दे ड्राइव अ कार, आई ईट फूड, ही राइट्स अ लेटर। वी आर नॉट यूजिंग एनी एडवर्ब। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब आप लैंग्वेज की कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ना, लैंग्वेज की कोई भी एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करते हैं, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, एडवर्ब्स ही आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक है? अच्छा, क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर देते हैं। Yes, she talk. Talk. सोनिया, शी टॉक्स, शी टॉट, आई अंडरस्टैंड, बर्ड्स फ्लाई, शी नोज, शी वर्क्स। इट इज पॉसिबल सर, इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट विदाउट इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, विदाउट एन एडवर्ब। क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बनाया जा सकता है? इट इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? देखिए यस जी सर, बिल्कुल, माशाल्लाह, बन रहे सर। कॉल सारा नाउ, किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टुनाइट। यस सर, बजाहिर तो ऐसा लग रहा है, बन रहा है, और हकीकत यह है बन भी गया है। अच्छा, लेकिन आगे चलते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस क्रिएट हो सकता है? हम एडवर्ब भी ड्रॉप कर दिया, सब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर दिया, क्या ये जुमला बन जाएगा? हेल्प मी, कॉल हर, गिव मी अ नाइफ, डोंट नॉक एट द डोर, डोंट डिस्टर्ब मी, नेगेटिव इम्पेरेटिव।
लेकिन अगर आप एक सेंटेंस देखें गौर से, कॉल सारा, जब आप देखते हैं कॉल सारा, उससे पहले आंखें खोल के देखिए आपको कुछ दिख रहा है? दिख गया आपको सब्जेक्ट? यू यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन कभी भी किसी भी इंग्लिश के टीचर ने हमें पूरी नहीं सिखाई। इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन का पहला सेंटेंस सुन लीजिएगा। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज हिडन बिकॉज इट इज डेफिनेट। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी डोंट यूज सब्जेक्ट बिकॉज इट इज ऑब्वियस, इट इज डेफिनेट। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन। आई बात समझ? आमतौर से इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। मैंने एक सेंटेंस में आपको पर्दा हटाकर दिखा दिया, पर्दे के पीछे कौन निकला? पर्दे के पीछे कौन निकला? यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस में बजाहिर सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट नहीं है, और जुमले भी हम बना लेते हैं बगैर सब्जेक्ट के, लेकिन जब आप पर्दा हटाएंगे तो आपको पर्दे के पीछे कौन देखेगा बेटा? यू विल फाइंड देयर इज अ सब्जेक्ट यू। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बना सकते। लोग कहते हैं सर एस और ईएस लगाने और ना लगाने से क्या गलती होती है, जरा देखिएगा। अली कम ऑन टाइम, अली कम्स ऑन टाइम, इन दो सेंटेंसेस को और से देखें। अली कम्स ऑन टाइम और अली कम ऑन टाइम। अगर मैंने कहा अली कम्स ऑन टाइम, इसका मतलब अली वक्त पर, खाना अली वक्त पर आता है। अली कम्स ऑन आ टाइम, रहा आता है, रिपीटेड एक्शन। अली कम ऑन टाइम, ओके सर, क्या मतलब? ऑर्डर ऑर्डर, अली वक्त पर डिसऑर्डर आना। जी, सारा लिसन टू मी, टाइम सारा लिसन टू मी, हाथ छोड़ो मेरा, लीव माय हैंड, सारा लिसन टू मी, सब देख रहे हैं, सारा लिसन टू मी, क्या मतलब? क्या मतलब? सारा लिसन टू मी, एंड सारा मेरी बात सारा सुनो, सारा मेरी बात लिसन टू मी सुनो, सारा एंग्री, एंग्री सारा लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, सारा मेरी बात सुनो, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, सारा लिसन टू मी। रिक्वेस्ट लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसका मतलब बताइए। सारा लिसन्स टू मी, मेरी मेरी बात बात सुनती सुनती है, है, सारा मेरी बात लिसन, सुनती है, सारा सुनती मेरी बात सुनती है, है, सुनती सारा मेरी बात सुनती है, बात सुनती ठीक है। अच्छा जी, अब और जब गुस्सा आता है, वैसे तो देखे यू नजर नहीं आता, जब गुस्सा आता है तो याद रखे, याद रखे, आपकी जबान पर यू आ जाता है। तुम चुप रहो, तुम अपना माइक बंद रखो। जी सर, गुस्सा आ गया सर, यू गेट लॉस्ट, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, यू स्टैंड अप, ऑन यानी कि आपको गुस्सा आ गया। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी जबान पर यू आ जाता है, यू गेट लॉस्ट। लेकिन जब आपके ससुराल वाले आते हैं तो आपके अब्बा की जबान पे भी यू आता है, अरे आप लीजिए ना, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, सुबह से लगी हुई थी, पता नहीं क्या क्या बनाए, ये देखें, ये कबाब, ये नगेट्स बनाए, मैंने कहा बाहर से ले आओ, लेकिन नहीं, कह लेंगे अब्बा मैं घर पे बनाऊ, जबकि है सारे केयरेंस के, आप लीजिए ना, आप लीजिए, ये प्रॉन्स लीजिए, यू जस्ट हैव सम प्रॉन्स, रिश्ता पक्का हो जाएगा, टेस्ट जबान को लग गया तो बस रिश्ता पक्का। अरे आप यहाँ बैठिए पप्पी, आप यहाँ बैठिए, यू जस्ट, अरे नहीं भाई हम नीचे सही है, तो आज सोफा टूट जाएगा, फिर तुम लोग हम पर इल्जाम लगाओगे, पप्पी सोफा दोगे, अरे नहीं आप, यू जस्ट लिसन, यू जस्ट सिट हियर, सर आप बात तो सुन लें सर, प्लीज सर, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, देखिए मुझसे टाइम मैनेज नहीं होगा, हमारे तो बच्चे ही नहीं है, ठीक है ना, सबके बच्चे हैं भाई, जितनी खवातीन पढ़ती है सबके बच्चे, एवरीबडी मैनेजेस टाइम, बच्चों को खेलने दे आस पास, आप अपनी क्लास में, भाई क्या हो, बच्चा क्या कर रहा है, आपको रोक रहा है पढ़ने से, एयरपोर्ट लगाए उसके ऊपर अपना
तो भट्टा डाल दे, बाढ़ डाल दे, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि अम्मा क्या कर रही है, हाथ में मोबाइल तो हर वक्त वैसे ही रहता है, बच्चे के हाथ में भी अम्मा के हाथ में भी है भाई। है भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मोबाइल तो आजकल सबके हाथ में रहता है, तो बच्चे को बच्चे का यस यू आर मोबाइल राइट दो, सर, आप अपना मोबाइल अपने हाथ में रखे, कान में एयरपोर्ट लगाए, बच्चे को पता ही चलेगा अम्मा अंग्रेजी सीख रही हूँ। तो दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, चीजों को मैनेज करें। आप चाय बना रही है, इट्स ओके, आप मोबाइल दूर रख दीजिए, सुनते रहिए, कीप लिसनिंग, कोई आपका नाम ले, जब आप हैंड रेस करते हैं तो टीचर आपका यस नाम लेती है कि आइए पार्टिसिपेट कीजिए, बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट आप अपना हैंड रेस ना कीजिए, ठीक है ना सर? एक बात तो सुन ले सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर, आप क्या कर रहे हैं, अब आधा कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए? सर अब तो मुमकिन होगा क्योंकि आपने लिख ही दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, बिल्कुल एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, एक सेंटेंस में दो वर्ब भी आ सकते हैं, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, एक सेंटेंस में दो एडवर्ब्स भी आ सकते हैं, सब चीजें दो दो आ सकती हैं, लेकिन दो ऑब्जेक्ट की जो कहानी है वो जरा मुख्तलिफ है। भाई देखें, सब्जेक्ट दो आ सकते हैं, अली एंड सारा कॉल मी, अली एंड सारा डिस्टर्ब मी, अली एंड सारा हो गए दो सब्जेक्ट, आप लोग जानते भी, आप लोग अभी मैं जुमले बता रहा हूँ तो आप कहेंगे हाँ दो वर्ब भी आ जाएंगे, सारा इज कॉलिंग यू, इज और कॉलिंग, इज ऑक्सिलरी वर्ब, कॉलिंग मेन वर्ब, आ गए दो वर्ब, हाँ सर ये तो कोई बच्चे, नॉर्मली शी कम्स ऑन संडे, नॉर्मली ऑन संडे, आ गए दो एडवर्ब, ये तो आसान सी बात है, ऑब्जेक्ट वाली बातों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, कल प्रोनाउन फैमिली पढ़ाने जा रहा हूँ तो आपको काफी डिटेल में आप ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच रिसीव्स एन एक्शन, ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ये दो बातें आपके जहन में बैठ जानी चाहिए, ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या कोई चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है, जैसे मोबाइल फोन, क्या मोबाइल फोन ऑब्जेक्ट हो सकता है? आई यूज मोबाइल, यस सर, हो सकता है। यस अच्छा सर, क्या कोई somebody ऑब्जेक्ट हो सकता है? मोबाइल आई आई कॉल सारा, आई कॉल सारा, सारा ऑब्जेक्ट हो सकती है, सर, और यस सर सारा हो हो सकती सकती है, है, सारा सबडी जैसे है, सब्जेक्ट्स एंड सारा ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज आर नाउंस। सारा सबडी है, मोबाइल समथिंग है, यानी कि सबडी और समथिंग जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे देखिएगा, जब मैं समथिंग की बात कर रहा हूं तो समझ जाए मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जब मैं सबडी की बात कर रहा हूं तो समझ जाए मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। एक सवाल जहन में उठ रहा है, सर जी सम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? एक सवाल उठ रहा है स्टूडेंट के जहन में। देखिए बेटा, मेरे हाथ में है गुलाब का फूल और मैं देने जा रहा हूं इसको सारा को, आई एम गिविंग अ रोज, अब ये मेरे एक्शन को रिसीव किसने किया डायरेक्टली, समथिंग ने या समबडी ने? बताइए, आई एम गिविंग अ रोज, ऑब्जेक्टिव और समथिंग ने मेरे एक्शन जो रिसीव कर रहा है वो समथिंग जो है वो डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये किसके पास जाएगा आप देखिएगा, आई गिव अ रोज टू सारा, सी अब इनडायरेक्टली मेरे एक्शन किसने रिसीव किया? समबडी ने, तो सारा समबडी इनडायरेक्ट Somebody will always be an indirect object and something will always be a direct object. और आप फॉर्मूला देखिएगा, ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अंग्रेजी का बुनियादी फॉर्मूला है, समथिंग टू समबडी, अगर समथिंग को पहले लिखा जाता है तो उसके बाद टू आता है या फिर फॉर आता है। हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हारे ख्वाब में एक नन्ही परी आएगी, वो तुमको बताएगी कंवल बेटा गिफ्ट के बाद टू लगा दो,
और बाय के बाद फोन लगा दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं बेटा। अंग्रेजी में कुछ चीजों का रट्टा मारना पड़ता है, याद करनी पड़ती है। सर स्पेलिंग याद करने की कोई टेक ट्रिक बता दे। अबे भाई बादाम खा लो, पिस्ते खा लो, दिमाग अच्छा कर लो, याद हो जाएगी। वो हर चीज की, हमारे लोगों को हर चीज की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, वो शॉर्टकट चाहिए भाई, याद करना पड़ता है। हमने भी मेहनत करके याद की। मैं अपनी स्पेलिंग इम्प्रूव करने का सबसे सबसे ज्यादा मैंने स्पेलिंग इम्प्रूव मोबाइल पे मैसेजेस टाइप करके लिखी है। आई यूज टू टाइप ऑन कीपैड, अब तो कीपैड का दौर ही खत्म हो गया, लेकिन हम कीपैड पे अपने इंग्लिश में टाइप करते थे, तो जहां गलती होती थी वो एरर देता था, तो हम उसको कोशिश करते थे क्या सही होगा। तो उस तरह से आई यूज टू इम्प्रूव माई स्पेलिंग्स। हर चीज के लिए जुनून जरूरी है, अगर आपके अंदर जुनून होगा तो आप हर चीज को इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने समथिंग को पहले लिखा तो टू और फोर लगाएंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा? याद करना पड़ेगा। कौन याद करवाएगा? आप खुद याद करेंगे, दिस इज नॉट योर स्कूल। आपको लेकिन बताए दो हम सब किसके बाद टू आएगा, किसके बाद फोर आएगा। हाँ ये आपने अच्छी बात की, ये हम आपको बताएंगे। अभी आपसे शेयर करते हैं एक लिस्ट, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि समथिंग के बाद टू और समथिंग के बाद फोर, वो कौन से वर्ब्स है सर जिनके बाद टू और जिनके बाद फोर लगता है। सर अभी आपको बताएंगे, लेकिन ये बात याद रखिए, जब समथिंग पहले आएगा तो टू या फोर लगेगा, फिर समबडी आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर हम याद ही नहीं करना चाह रहे, कोई शॉर्टकट, तो समबडी को पहले ले आओ, टू और फोर की टेंशन खत्म। अच्छा हाँ ये सही है, हम याद नहीं करेंगे, शॉर्टकट है ये, समबडी समथिंग, टू और फोर की बचत हो गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई लाइक समबडी भी हो सकता है, आई लाइक समथिंग भी हो सकता है, ये तो एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। आई टीच समबडी, आई टीच समथिंग, आई वॉन्ट समबडी, आई वॉन्ट समथिंग। अब लेकिन देखो मैंने जो सेंटेंस लिखा है, आई एस्क अ क्वेश्चन, आई एस्क अली। अब मैं ये कह रहा हूं कि आइए सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। आई एस्क अ क्वेश्चन टू अली, आई एस्क अ क्वेश्चन टू अली। जब मैंने ये कहा आई एस्क अ क्वेश्चन टू अली, अली को पहले ले आओ, तो तुम्हारा प्रेपोजिशन का मसला हल हो जाएगा। आई एस्क अली अ क्वेश्चन, आई गिव सादिया अ लेक्चर, लेक्चर को पहले ले आओ, आई गिव अ लेक्चर, अब टू आ जाएगा, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। आई टीच अली, आई टीच इंग्लिश, जब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो देखें क्या बना। आई टीच इंग्लिश टू अली, आई टीच अली इंग्लिश, कौन सा जुमला सही लग रहा है आप लोगों आई टीच इंग्लिश टू अली, को? बोथ सेंटेंसेस आर आई एब्सोल्युटली टीच करेक्ट। इंग्लिश टू अली, आई बस टीच इंग्लिश टू अली। आज आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया है कि ये जुमला भी सही है और ये जुमला भी सही है। और देखिए कितनी बुनियादी बात है ये, हमें पता नहीं क्यों किसी ने स्कूल लाइफ में क्यों नहीं बताया था, क्यों हमें ताती ते के ऊपर रखते थे। हम लोगों को पता है अंग्रेजी में क्यों हम लोग बर्बाद हो गए? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरी बहुत गहरी रिसर्च है। मैं स्कूल्स को भी, बहुत सारे बच्चों को मैं विजिट कर चुका हूँ, 16 साल में बहुत काम किया। तो हमें स्कूल के अंदर सिर्फ फॉर्मूले रटवाए जाते थे, जुमले रटवाए जाते थे, हमें इंग्लिश को कभी लैंग्वेज के तौर पे नहीं पढ़ाया गया। वी वर नेवर टॉट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन अवर स्कूल लाइफ, इन अवर कॉलेज लाइफ, इन अवर यूनिवर्सिटी लाइफ। That's why we were unable to improve anything. हमने ऐसे के रट्टे लगाए, हमने क्वेश्चन आंसर याद किए उसके रट्टे लगाए। इंग्लिश का जो पेपर था वो फुल रट्टाफिकेशन था, जबकि मैं कहता हूँ इंग्लिश का सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए। इंग्लिश शुड बी टॉट एज अ लैंग्वेज इन एवरी स्कूल, अरबिक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल एज अ लैंग्वेज। ये दो जबानें बच्चों को लैंग्वेज के एतबार से क्लास में पढ़ानी चाहिए, बट वेरी फ्यू स्कूल्स आर टीचिंग। सो दैट्स वाई हमारी गाड़ी चलती रहेगी, जब तक पाकिस्तान है और ये सिस्टम है एजुकेशनल, चलता रहेगा हमारा काम। तो बेटा आप भी एक अच्छे लैंग्वेज टीचर बन जाए, घर बैठ के पैसा कमाइए, ठीक है। पाकिस्तान में पत्थर उठाए 10 लोग कहेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो दैट्स वाई आई एडवाइस माई ऑल स्टूडेंट्स कि 3 महीने इस तरह से मेरे साथ गुजारिए कि 3 महीने के बाद आप घर बैठ के अपनी एक ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट करें, ठीक है। इंसान अगर कुछ सोच ले तो वो हर चीज मुमकिन हो सकती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट थिंक। थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट, किसी महान आदमी ने कहा है।
सर वो बाहर आदमी आप तो नहीं है, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ. थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट. कुछ करने के बारे में सोचना ही कामयाबी की पहली चाबी है. आपने कम से कम सोच तो लिया है दैट आई हैव टू लर्न इंग्लिश, तो चलिए कामयाबी आपकी तरफ आ रही है. आई विल बाय यू अ कार. अब देखें, अब यहां पर फॉर आ रहा है, बाय के बाद टू नहीं लगता. कभी सुना है आई विल बाय अ कार टू यू? आई विल बाय अ कार फॉर यू. मुझे एक और याद आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ. आई विल मेक, क्या लिखूं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी. आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू. इसको यू को पहले लेकर आइएगा, यू को पहले लाइए. I will make you a cup of tea. सही है ये जुमला? Is it a right sentence? Right. मैं तुमको चाय की प्याली बना दूंगा. हाँ ये तो कह रही हूँ. I will make a cup of tea for you. लेकिन सर ऐसा लग रहा है कोई जादूगर है, मैं तुमको उल्लू बना दूँ. वो आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जुमला बिल्कुल सही है. मैं तुमको चाय की प्याली बना दूंगा. I will make you a cup of tea. मैं तुम्हें चाय बना दूंगा, बैठो. आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू. आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी. सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ टू लगेगा या फिर यहाँ पर फॉर लगेगा? टंडी परी आएगी आपके ख्वाब में, वो आपको बताकर जाएगी. ये लीजिए आपके नोट्स के अंदर, अभी आप लोग व्हाट्सएप क्लास के बाद चेक कीजिएगा, आपके पास नोट्स आएंगे तो उस नोट्स के अंदर आपको ये वर्कशीट मिल जाती है. वर्ब्स दैट टेक डबल ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं. जरा देखिएगा, कहता है व्हाट आर डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स. ये हम आपको बता चुके, आपको पता है. अब आपके सामने एक एक्सरसाइज भी आ गई. एक्सरसाइज क्या है देखिए, वो आपसे कह रहे हैं लेट मी मेक सम टी फॉर यू. वो कह रहे हैं इसमें से फॉर को हटा दीजिए, फॉर को हटाइए, हटाइए हटाइए हटाइए. अगर समथिंग पहले लिखा हुआ है तो उसको समबडी को पहले ले आइए और समथिंग को बाद में ले जाइए. लेट मी मेक यू सम टी. अगला बनाइए अनम, नंबर फोर बनाइए. ही वॉन्ट्स टू सेल हिज ओल्ड कार टू मी. मी को पहले ले आइए, हिज ओल्ड कार को बाद में ले जाइए. Yes. आवाज नहीं आ रही मुझे. यस आसिया, ही वॉन्ट्स मी टू सेल हिज ओल्ड कार. ही वॉन्ट्स मी मी टू सेल हिज ओल्ड कार. सोच रहे, यस सर, सोच टू की रहे, जगह सर उसको ले सोच. आएंगे ना. बहुत जल्दी मी नहीं आ गया. He wants बहुत जल्दी मी लगा दिया आपने. He wants to sail. Sir, he wants to me. अस्तगफुरुल्लाह. He wants to sell. He wants to sell. यहाँ तक तो एडेड है जाएगा, इसमें तब्दीली नहीं होगी. He wants to sell me his old car. Me? He wants to sell his old car. Could you bring some water to me? Roshan, could you bring me some water? Somebody go up with Elia, some water go up with Elia. Should we cook dinner for them? Should we cook dinner?
Yes, Should we anyone, cook raise your them dinner? hand. Should Should we we? cook them? Should we cook dinner for them? हाँ, ये तो लिखा हुआ है, देम को पहले ले आएंगे, डिनर को आगे ले जाइए। Should we cook dinner? Should we cook them dinner? हाँ सर, ये तो ऐसा हो जाएगा, क्या हम उन्हें पका देना चाहिए? शुड बी कुक देम डिनर, क्या हमें उनके लिए खाना बनाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपके ससुराल वाले बनाइए। ये एक्सरसाइज 1, 2, 3 आपके साथ जा रही है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नीचे आंसर की भी है, आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिएगा। ये वो लिस्ट है बेटा, ये वो लिस्ट है जिसको आप आज रात सोने से पहले याद कर लीजिएगा, वरना रोज आना रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा। अब हैंड रेस कीजिएगा जो बोलना चाह रहा हो, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है, दे अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल टू टॉप 10 स्कूल। मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें से आप 2 को हटा दीजिए। अगर मैं 2 को हटाना चाहूंगा तो बताइए, हैंड रेस कीजिएगा कि हम क्या करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि मैं 2 को हटा दूं। दे अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल टू टॉप 10 स्कूल, क्या करूं? मैं 2 को हटाना चाह रहा हूं। कोई रास्ता? यस रोशन, दे अवॉर्डेड टॉप 10 मेडल टॉप 10 स्कूल्स. मैंने कहा है हैंड रेस करने की आदत डाली है ताकि मैं आपका नाम लूं, लोगों को पता चले क्लास में जहीन बच्चे कौन है। यस रोशन, दे अवॉर्डेड टॉप 10 स्कूल्स अ गोल्ड मेडल. एक्सेलेंट आंसर। दे ऑफ वेरी गुड, दे ऑफर्ड अ मैनेजमेंट जॉब टू मी। आसिया, बाकी आवाम सो रही है। दे ऑफर्ड मी अ मैनेजमेंट जॉब. दे ऑफर्ड मी अ मैनेजमेंट जॉब। यस नेक्स्ट, मुनिम जहरा, आई सेंड सम मनी टू यू। आई सेंट यू सम मनी. आई सेंट यू सम मनी। अगला भी आप ही बना दीजिए। सैम ब्रॉट सम फ्लावर्स टू यू। सैम ब्रॉट यू सम फ्लावर्स. सैम ब्रॉट यू सम फ्लावर्स। सैम ब्रॉट यू सम फ्लावर्स। यस नेक्स्ट, अंबर, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट टू मी। कैन यू प्लीज पास कैन यू प्लीज सॉल्ट कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट. कैन यू प्लीज पास मी को पहले ले आइए, सॉल्ट को बाद में ले जाइए। बनाइए, सही. कैन यू कैन प्लीज यू पास प्लीज पास। कैन यू प्लीज प्लीज पास कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट. कैन यू प्लीज मी अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैन यू अस्तग़फ़िरुल्लाह। प्लीज पास मी द सॉल्ट. इतनी अंग्रेजी मुश्किल भी नहीं है जितनी इस जुमले ने बना दी है। ये देखिए, कैन यू पास, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, समथिंग टू कैन समबडी, यू पास आप समबडी को पहले ले आइए। कैन यू पास मी द सॉल्ट, आसान है। कैन यस यू ने, कैन पास मी यू कैन यू पास पास मी मी द सॉल्ट। माई ब्रदर फैड फिश टू आर कैट। डॉग. यस अनम, माय ब्रदर अनम असद, अनम शहजादी, आपका माइक चल नहीं रहा है, आप माइक निकाल दीजिए। अपना जो आपने मोबाइल में हैंड्स फ्री लगाया वो निकाल दीजिए, फिर बोले आपकी आवाज आ जाएगी। बर्बाद हो गया हैंड्स फ्री आपका, ट्राई कीजिए, सभी अब आ रही है। हम बता रहे हैं ना, हम आवाज तो 3 साल हो गए पढ़ाते हुए, हम आपका मसला देखते पहचान लिया था। आपका हैंड्स फ्री बर्बाद हो गया, मैं दराज से जी. नया ऑर्डर कर दूंगा आपके लिए, कैश ऑन डिलीवरी, सबसे अच्छा वाला ऑर्डर, ठीक है?
बताइए बेटा, अनम शहजादी बताइए। माई ब्रदर फैड फिश टू आर कैट। अब जी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इसमें से टू हटाना चाह रहा हूं। वाह, बताइए क्या करूं। ब्रदर, माई माय ब्रदर ब्रदर फैट फ्रेंड, माई ब्रदर फैट वे आर शॉवल कर आर बेटा आर्क कैट को इधर ले आइए, आर फिश को इधर ले जाइए, बहुत ही आसान, ठीक है ना? कोई दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद प्रॉमिस लिखा हुआ है, ये देखिएगा, अ लैपटॉप टू मी। मी को इधर ले आइए, लैपटॉप को उधर ले जाइए। बताइए हाफिज रमशा। माई ब्रदर माय ब्रदर प्रोमिस्ड अ प्रॉमिस लैपटॉप टू मी। मी माय लैपटॉप, ब्रदर रमशा, माई ब्रदर प्रोमिस्ड अ लैपटॉप टू मी। माय ब्रदर माय प्रॉमिस ब्रदर मी अ लैपटॉप माई ब्रदर प्रोमिस्ड मी प्रॉमिस अ मी अ लैपटॉप। लैपटॉप अब आपको ये बेटा याद करने हैं, और याद कर कैसे करेंगे, रट्टा लगाएंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि वो कौन से वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं, और वो कौन से वर्ब्स हैं जो अपने बाद फॉर लेते हैं। इसी तरह से ये भी आ गया, देखिए लिखा हुआ है, कैन यू गेट अ गिफ्ट कार्ड फॉर मी। मैं इसमें से अगर फॉर को हटाना चाहूं तो हटा सकता हूं। कैन यू गेट मी अ गिफ्ट कार्ड, कैन यू गेट मी अ गिफ्ट कार्ड, कैन यू गेट मी अ गिफ्ट कार्ड। ओ यस आई कैन, कैन यू गेट मी अ गिफ्ट कार्ड। आ गई बात समझ? ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा ये। आपको रट्टा लगाना है, ये आपके लिए एक और तस्वीर चिपकाइए, हमें अच्छी लगती है ये, इसको देखते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये सारी बातें तो हमें आती हैं, कुछ बातें आपको एरो से शायद समझ आ जाए आसानी से। ठीक है बेटा, चलिए सर एक सवाल है जी। बेटा पूछे, सर आपने कहा ऑब्जेक्ट एक आएगा, फिर आपने कहा दो ऑब्जेक्ट आएंगे, फिर आपने कहा बीच में ये भी कहा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सर ये बताइए, ये हमें कौन बताता है कि ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, या दो ऑब्जेक्ट आएंगे? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बताइए ऑब्जेक्ट से पहले आपके पास कौन होता है? जहन पे जोर डालिए, ऑब्जेक्ट से पहले आप लोग क्या लिखते हैं? वर्ब वर्ब। तो हमें कौन बताता है? वर्ब बताता है, और वर्ब के अंदर हमारे पास दो तरह के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपके पास घर के अंदर डिक्शनरी मौजूद है और उसका एडिशन है फिफ्थ एडिशन, अब तो 10th एडिशन आ गया ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स वालों का, लेकिन अगर आपके पास घर में फिफ्थ एडिशन है तो आप कोई भी वर्ब निकालिएगा तो आपको देखिएगा पुरानी डिक्शनरीज के अंदर वर्ब के आगे पहले ये लिखा जाता था, VN और VNN। VN का मतलब होता है वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, और VNN का मतलब होता है वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। तो हम इस तरह से याद करते थे, हर वर्ड की एंट्री को देखते थे, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया। अब हम ये लॉन्ग ब्रैकेट में VN और VNN अब मॉडर्न डिक्शनरीज के अंदर लिखकर नहीं दिया जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? याद रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब्स की जो तादाद है वो ला तादाद है, मतलब आप इसको गिन नहीं सकते, यू कैन नॉट काउंट। और लेकिन ऐसे वर्ब्स की तादाद लिमिटेड होगी जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। और अभी मुझे एक बात बताइए, अभी जो थोड़ी देर पहले आपके सामने लिस्ट आई थी एक, जिसमें आप टू और फोर से खेल रहे थे, उसमें याद है आपको कितने हम ऑब्जेक्ट्स लगा रहे थे? कितने ऑब्जेक्ट्स लगा रहे थे? कॉमन सेंस, टू सर, दो ऑब्जेक्ट लगा रहे थे ना अभी कुछ लोग। डायरेक्ट सो हम दो ऑब्जेक्ट्स लगा रहे थे ना अभी, ऑब्जेक्ट, दो दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा एंड रहे थे डायरेक्ट सर। ऑब्जेक्ट, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी भी। जैसे मुझे एक पहेली याद आ रही है कि देखो भाई मेरे पास एक बास्केट है, उसमें 12 अंडे हैं, ठीक है ना? अगर तुमने मुझे बता दिया कि मेरी बास्केट में कितने अंडे हैं, तो सारे के सारे अंडे हैं तुम्हारे, बताओ मेरी बास्केट में कितने अंडे हैं? अरे यार कोई क्लू तो दो ना, खरा बताइए तो मैं कैसे बताऊं। मतलब ये वाली बात हो गई कि देखिए, अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि वर्ड फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट, अभी आपने डबल ऑब्जेक्ट बहुत सारे वर्ब्स देख लिए हैं,
सर हमें कोई ऐसी लिस्ट मिल सकती है कि हम याद कर लें ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल, आपको ऐसे वर्ड्स की लिस्ट मिल चुकी है जिसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, और वो जब डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो कभी उनके बीच में टू लगता है और कभी उनके बीच में फॉर लगता है। यानी कि अगर आपने समथिंग को पहले लिखा, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, तो आप टू लगाएंगे या फॉर लगाएंगे और उसके बाद फिर आप समबडी लगाएंगे। लेकिन अगर आप समबडी को पहले लेकर आएंगे तो फिर आपको टू और फॉर की बचत हो जाती है, फिर उसकी कोई टेंशन नहीं। अच्छा, और एक और बड़ी आखिरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, वो कौन से वर्ब्स होते हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता? वो वर्ब्स कहलाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सर इनकी तादाद 150 से ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा 200 मैक्सिमम, नॉट मोर देन दिस। ये आप याद कर सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते और नहीं लेते। तो फिर क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं लेते। बर्ड्स फ्लाई, कुछ कुछ आया क्या? बर्ड्स फ्लाई, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं लेते। द डोर ओपन्स, कुछ आया? कुछ भी नहीं आया, तो कुछ भी नहीं आता। अगर सर नहीं, फिर भी कुछ भी, कुछ तो सर एडजेक्टिव आ सकता है, प्रपोजिशन आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। देखो, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, अगर किसी ने इसमें ऑब्जेक्ट निकाल कर दे दिया तो सलाम होगा मेरा उसको। आई गो टू स्कूल एवरी डे, बताओ एवरी डे। मैंने आज सेशन के शुरू में सबसे पहले बताया था एवरी डे, बताओ क्या होता है? एडवर्ब एडवर्ब। छा गई, हम आई गो टू एडवर्ब स्कूल, होता एडवर्ब होता है, जबरदस्त। आई गो टू स्कूल, और यहाँ पर जो टू स्कूल है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर टू देखे, आपके पास प्रेपोजिशन आ रहा है। जब आपके पास वर्ब के फौरन बाद प्रेपोजिशन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, इसका मतलब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज टायर्ड, जितने भी आपके स्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो इंट्रांजिटिव होते हैं। जैसे ही इज टायर्ड, आई हैव अ कार, आप इसका पैसिव बना सकते हैं, आई हैव अ कार, कभी भी नहीं बना सकते क्योंकि ये स्टेटिव सेंटेंस है और स्टेटिव सेंटेंसेस में पैसिव नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ करता। ही ड्राइव स्लोली, स्लोली क्या है सर? ये एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ही ड्राइव स्लोली, ही ड्राइव स्लोली। आखिरी बात समझ, एक जनरल नॉलेज का सवाल करूं, जनरल नॉलेज का बताइए, पैसिव वाइज में सबसे पहला काम आप लोग क्या करते थे स्कूल लाइफ में? प्रोफेसर पैसिव वाइज में सबसे पहला काम स्कूल लाइफ में क्या किया था लोगों ने? सर याद करें, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, सबसे बाय ये चीज लगाते ऑब्जेक्ट हैं। को पहले ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। बस, आई ईट एन एप्पल, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। लेकिन मुझे बताइए कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स लिखे हुए हो, या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो, क्या आप उसका पैसिव बनाएंगे? क्या आप उसका नो पैसिव सर, नहीं बनाएंगे? बनेगा क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स नहीं लेते हैं और पैसे सर वो इस उसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के सर उस बगैर नहीं सेंटेंस के बनता। अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। अगर आपने कोई इंट्रांजिटिव वर्ब के बेस पर कोई सेंटेंस बना भी लिया, आई गो टू स्कूल एवरी डे आपने बना लिया इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करके, अब आप चाह रहे हैं इसका पैसिव बना लूं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब जब आता है तो आप उसमें तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं। आ गई बात समझ? सर आने वाले सेशन में आप क्या पढ़ाने वाले हैं? आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन फैमिली, और प्रोनाउन फैमिली के अंदर बहुत सारी बातें हैं। जब मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उसके साथ बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ये नोट्स इंशाल्लाह आपके पास, बहुत सारे बच्चों के पास आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के पास अभी आना बाकी है। अभी थोड़ी देर बाद आप व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, आपके पास एक और लिंक आ रहा है, अपनी रेलिवेंट क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा और नोट्स भी आपके पास आ जाएंगे। आप ये व्हाट्सएप करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।